वेलकम एवरीवन, मैं वैशाली शर्मा आपका स्वागत करती हूँ वीएस इकोनॉमिक्स चैनल पर। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें वीएस इकोनॉमिक्स चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। आज का हमारा टॉपिक है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। व्हाट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? देखिए, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब होता है मांग, हिंदी में से कहा जाता है मांग की लोच। ठीक है, कि मांग की लोच कितनी है या मांग की लोच क्या है। तो हम पढ़ते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इट इज डिफाइंड एज द मेजरमेंट ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इन रिस्पॉन्स टू अ गिवन परसेंटेज चेंज इन ऑन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। यानी कि जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो किसको दिखाता है? मेन जो इसमें फोकस है वो किसके ऊपर होता है? परसेंटेज चेंज पर। ठीक है, कि कितना परसेंट चेंज आया, कितना प्रतिशत इसमें परिवर्तन आया, वो होता है हमारा इलास्टिसिटी, उसे कहते हैं लोचम। ठीक है, अब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्या मतलब हुआ? कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड टू अ परसेंटेज चेंज इन ऑन प्राइस, यानी कि प्राइस में चेंज आने से क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आया, उसे कहा जाता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है ना, कि भाई डिमांड में चेंज आने से कितना चेंज आया हमारी प्राइस के अंदर, या हम कहें कि प्राइस में चेंज आने से क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आया, कितना परसेंट चेंज आया, उसे कहा जाता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब हमारे पास आता है मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के मेजरमेंट क्या है, इसे किस किस मेजरमेंट से मेजर किया जा सकता है। तो वैसे तो हमारे पास कई तरह के मेजरमेंट आते हैं, लेकिन इसके अंदर हम मेनली टू मेजरमेंट पढ़ेंगे। देयर आर टू इम्पोर्टेंट मेथड्स ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। दो तरह के मेनली मेथड होते हैं। फर्स्ट परसेंटेज चेंज मेथड, या इसे हम कहते हैं प्रोपोर्शनेट मेथड। एग्जाम में प्रोपोर्शनेट मेथड से भी क्वेश्चन आ जाता है और परसेंटेज मेथड से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो हमें ध्यान रखना है कि परसेंटेज मेथड ही प्रोपोर्शनेट मेथड कहलाता है। नेक्स्ट आता है ज्योमेट्रिक मेथड। ठीक है, तो हम वन बाय वन इन मेजरमेंट की डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। फर्स्ट हमारे पास आता है परसेंटेज चेंज मेथड, या फिर इसे कहा जाता है प्रोपोर्शनेट मेथड। अब परसेंटेज चेंज जो मेथड होता है ये किसको दिखाएगा? भाई जब हम प्राइस इलास्टिसिटी की बात कर रहे हैं तो ये किसको दिखाता है? कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड टू द परसेंटेज चेंज इन प्राइस, उन दोनों के किसको दिखाता है? वो रेशियो को दिखाता है कि प्राइस में चेंज आने से क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आया। अब आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, सबसे पहले आप देखेंगे कि जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसको किससे शो करते हैं? ई और उसके नीचे डी, ईडी से। ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। अब इसमें हम क्या करते हैं, आगे लगेगा हमारा माइनस का साइन। ये किसको दिखाएगा? माइनस का साइन क्यों लगा? क्योंकि डिमांड और प्राइस के बीच में कैसा रिलेशन होता है? नेगेटिव रिलेशन होता है, इसलिए यहाँ पे साइन माइनस का लगाए। बच्चे कई बार डाउटफुल रहते हैं कि यहाँ माइनस का साइन किस लिए लगाएं, तो यह माइनस का साइन इसलिए लगाएं क्योंकि प्राइस और डिमांड के बीच में कैसा रिलेशन होता है? इनवर्स रिलेशन होता है, तो इसलिए यहाँ पे साइन माइनस का लगाए। प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड में प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। ठीक है, अब देखिए, अब प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड निकालने का फॉर्मूला क्या है? चेंज इन डिमांड, डिमांड में कितना चेंज आया, डिवाइड में इनिशियल डिमांड कितनी थी और मल्टीप्लाई में अपना 100। ठीक है, और उसके डिवाइड में चेंज इन प्राइस। हमने बोला ना कि प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को हम खोलेंगे। पहले अपने पास जो फॉर्मूला है, ये अपने पास फॉर्मूला जो है हमारा बाइंड करके दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को वन बाय वन खोलेंगे। यानी कि प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का फॉर्मूला क्या होगा? चेंज इन डिमांड अपॉन में इनिशियल डिमांड मल्टीप्लाई में 100। ठीक है, और प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस का फॉर्मूला क्या होगा? चेंज इन प्राइस अपॉन में इनिशियल प्राइस मल्टीप्लाई में 100। ठीक है, अब इन्हें हम क्या करेंगे, सिंबल से डिनोट कर देंगे। हमने क्या कहा, चेंज इन डिमांड। तो चेंज इन डिमांड जो होता है उसको निकालने का हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा? न्यू डिमांड क्यू वन माइनस में इनिशियल डिमांड क्यू और डिवाइड में क्यू। हमारे पास जो सिंपल डिमांड है, इनिशियल डिमांड, वो तो उसका फॉर्मूला, जब हमने फॉर्मूला लगाया तो हमारे पास क्या फॉर्मूला बना? डेल्टा क्यू अपॉन में क्यू, यानी के चेंज इन डिमांड अपॉन में क्वांटिटी, चेंज इन डिमांड अपॉन में अपना क्यू यानी कि इनिशियल डिमांड। इसी तरह से प्राइस का निकल जाएगा P1 माइनस P इज इक्वल टू में डेल्टा P अपॉन P।
तो ओवरऑल हमने क्या देखा कि परसेंटेज चेंज मेथड का फॉर्मूला क्या हुआ, ईडी इज इक्वल टू माइनस का साइन डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा क्यू अपॉन में क्यू डिवाइड में डेल्टा पी अपॉन में पी। अब आपको पता है जब डिवाइड का साइन होता है तो हम उसे क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो डेल्टा क्यू अपॉन में क्यू मल्टीप्लाई पी अपॉन में डेल्टा पी। तो हमारा जो फॉर्मूला है वो कैसे, अब हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या बनेगा, ईडी इज इक्वल टू माइनस का साइन पी अपॉन में क्यू मल्टीप्लाई में डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा पी। हमने क्या किया, डेल्टा डेल्टा वाले एक साथ ले लिए और पी अपॉन क्यू एक साथ ले लिया, ठीक है। तो हमारा ओवरऑल परसेंटेज मेथड का फॉर्मूला क्या निकला, पी अपॉन क्यू मल्टीप्लाई में डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा पी, ठीक है। इससे रिलेटेड हमारे पास कई बार एग्जाम में न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आ जाते हैं, वो मैं आपको बाद में समझाऊंगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है मेथड ज्योमेट्रिक मेथड। अब ज्योमेट्रिक मेथड जो होता है ये परसेंटेज मेथड से थोड़ा डिफरेंट होता है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम, इसे पॉइंट मेथड भी कहा जाता है, पॉइंट मेथड ऑफ मेजरिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इसके अंदर क्या होता है, डिमांड करके किसी भी पॉइंट पर इलास्टिसिटी को इसमें हम जान सकते हैं कि इलास्टिसिटी जो होगी वो हमारी क्या होगी। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, आपको एक डायग्राम शो हो रहा है जिसमें ओ एक्सिस पर क्वांटिटी है और ओ वाई पर आपको प्राइस दिया हुआ है, ये आपका डिमांड कर्व है। अब आप देखिए बीच में आपको एक पॉइंट दिख रहा है पी, पी से ऊपर वाला जो सेगमेंट है वो दिखाता है अपर सेगमेंट को और पी से नीचे वाला जो लाइन है वो आपको दिखाएगा किसको, लोअर सेगमेंट को। तो ज्योमेट्रिक मेथड जो है इसका फॉर्मूला क्या हुआ, इसके अंदर ईडी इज इक्वल टू लोअर सेगमेंट अपॉन में अपर सेगमेंट, ठीक है। अब हम जो निकालेंगे इसमें इलास्टिसिटी वो कैसे निकालेंगे, लोअर सेगमेंट से और अपर सेगमेंट से। तो इसका फॉर्मूला क्या हुआ, लोअर सेगमेंट अपॉन में अपर सेगमेंट, पी एन अपॉन में पी एन। अब आप देखिए, अब हम इसे एक स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व से समझेंगे कि किस तरह से प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होती है वो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पर क्या क्या होती है। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, आपको एक डायग्राम शो हो रहा है जिसके अंदर आपको डिमांड कर्व दिया हुआ है एम एन। अब आप देखिए बीच में आपको पॉइंट दिया हुआ है पी, ये कैसा पॉइंट है, मिड पॉइंट है, ठीक है। अब पी पॉइंट जो है इस पॉइंट पर क्या है, जो अपना इलास्टिसिटी है डिमांड की वो इक्वल है 1 के, ठीक है। इस पॉइंट से जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे, अपर सेगमेंट पे जाएंगे, तो हम क्या देखते हैं कि इस पॉइंट से जब हम ऊपर जाते हैं तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन है 1 से, और ऊपर जाएंगे तो हम क्या देखते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो इक्वल है किसके, इन्फिनिटी के, ठीक है। अपर सेगमेंट की बात हो गई, सेंटर की बात हो गई, अब हम आते हैं लोअर सेगमेंट पर। पी से नीचे आइए, लोअर सेगमेंट पर हम क्या देखते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो लेस देन है 1, और सबसे लास्ट में हमने क्या देखा कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो इक्वल है 0 के, ठीक है। तो ये आपको एग्जाम में डायग्राम बनाना होता है जब आपसे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्वेश्चन आता है। ये तो मैंने आपको क्या बताया कि जो डिमांड कर्व है उसके हर पॉइंट पर हम क्या बता सकते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी है। भाई पी पॉइंट पर हमने क्या बताया कि इक्वल 1 है, उसके ऊपर ग्रेटर देन है, उसके ऊपर इन्फिनिटी है, ठीक है। अब आप देखिए फर्स्ट पॉइंट ईडी इक्वल 1, ईडी इक्वल 1 में यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है प्राइस की वो इक्वल 1 है, या हम कह सकते हैं यूनिटी है। अब निकालने का तरीका कैसा होता है, एट पॉइंट पी, पी पर आप देखिए इलास्टिसिटी कैसे निकाली जाएगी, मैंने आपको बताया था कि फॉर्मूला क्या होता है, लोअर सेगमेंट और अपर सेगमेंट। अब पी से लोअर सेगमेंट क्या होगा, पी एन, और अपर सेगमेंट क्या होगा, अपोन में पी एम। तो पी एन अपोन में पी एम इज इक्वल टू 1, यानी कि पी एन जो होगा वो पी एम के क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। अब इसी तरह से नेक्स्ट आ जाओ, ईडी ग्रेटर देन 1, अब जब ईडी ग्रेटर देन 1 है एट पॉइंट ए पर, तो ए पर जब ईडी ग्रेटर देन 1 है तो हमारा निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, हमने कहा ना कि इसको पॉइंट मेथड भी कहा जाता है, तो हम क्या करेंगे हर पॉइंट से निकालेंगे इलास्टिसिटी को। अब ए पॉइंट पर हमने क्या देखा, ए पॉइंट से हमारा लोअर सेगमेंट क्या होगा, ए एन, और अपर सेगमेंट ए एम, ए एन अपॉन में ए एम ग्रेटर देन होगा किसके, 1 से। तो हमारे पास इसका मतलब क्या हुआ कि ए एन अपॉन ए एम जो होगा, ए एन ग्रेटर होगा ए एम से। इसी तरह से हम थर्ड पॉइंट निकालेंगे एट पॉइंट बी, बी पर हमने क्या देखा लेस देन है, तो इसका लोअर सेगमेंट क्या होगा, बी एन अपॉन में बी एन अपॉन में बी एम, ठीक है। मतलब मेरे जो पॉइंट है ना वो तो हमें लेकर चलना है, साथ साथ करते जाना है लोअर और अपर सेगमेंट को। तो बी एम जो होगा लेस देन होगा बी एन से। नेक्स्ट आता है एट पॉइंट एन, एन पर हमने क्या देखा ईडी जो है 0 है, तो यहाँ पे तो इसका जो लोअर पॉइंट है कुछ होगा ही नहीं, 0 होगा, 0 अपॉन में एन एम, तो क्या आएगा अपना आंसर 0, ठीक है। इसका मतलब ये किसको दिखाता है, ये ईडी इक्वल 0 दिखाता है कि जो हमारा डिमांड कर्व है वो किसको टच करेगा, एक्स एक्सिस को वो टच करेगा। नेक्स्ट आता है ईडी इक्वल इन्फिनिटी,
एट पॉइंट एम पर ये किसको दिखा रहा है, इसका लोअर पॉइंट तो एन एम होगा लेकिन इसका जो लोअर पॉइंट है वो एन एम होगा लेकिन अपर पॉइंट इसका क्या है, जीरो है, तो ये क्या बनेगा अपना इन्फिनिटी। और ये दिखाता है कि डिमांड का किसको टच करेगा, वाई एक्सिस को टच करेगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम पॉइंट मेथड के जरिए प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को निकालते हैं। नेक्स्ट आइए, रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड टोटल एक्सपेंडिचर। अब कहता है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और टोटल एक्सपेंडिचर में कैसा रिलेशन होता है। ठीक है, अब इसे हम तीन सिचुएशन से समझेंगे। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, आपको सिचुएशन वन शो हो रही है जिसके अंदर हम पढ़ेंगे सबसे पहले ईडी इक्वल वन। जब मैं ईडी बोल रही हूँ तो इसका मतलब है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसके इक्वल है, वन के, यानी कि ये क्या है, यूनिटरी है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज यूनिटरी। अब इसका मतलब क्या है, ये कहता है कि नो मैटर प्राइस विल इंक्रीज और डिक्रीज, ये कहते हैं कि ये मैटर नहीं करता कि प्राइस बढ़ रहा है या घट रहा है, हमारा जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो कॉन्स्टेंट रहेगा। ठीक है, इसलिए जो अपना इलास्टिसिटी जो होगी वो डिमांड की वो कैसी होगी, इक्वल टू वन होगी, यानी कि यूनिटरी होगी, चाहे प्राइस बढ़े चाहे घटे कोई मैटर नहीं करता, टोटल एक्सपेंडिचर जो होगा वो अपना कॉन्स्टेंट रहेगा। तो इसकी जो प्राइस इलास्टिसिटी होगी डिमांड की वो क्या होगी, इक्वल टू वन होगी, या फिर हम कह सकते हैं कि वो यूनिटरी होगी। ठीक है, अब सिचुएशन सेकंड देखिए, ईडी ग्रेटर देन वन, यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो यूनिटरी से ग्रेटर है। ये क्या बताता है, ये बताता है कि व्हेन प्राइस फॉल, कहते हैं अगर प्राइस हमारा कम होता है तो टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, अगर प्राइस हमारा बढ़ता है तो टोटल एक्सपेंडिचर हमारा कम होगा। तो ये किसको दिखाता है कि प्राइस के बीच में और टोटल एक्सपेंडिचर के बीच में कैसा रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन को दिखाता है कि प्राइस अगर बढ़ रहा है तो टोटल एक्सपेंडिचर कम होगा और प्राइस कम हो रहा है टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। ठीक है, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, एक एग्जाम्पल भी आपको शो हो रहा है कि फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, जो प्राइस है अपना फॉल हो रहा है, टू से वन हो रहा है, तो जो अपना टोटल एक्सपेंडिचर है, प्राइस अपना टू से कम हो रहा है, ठीक है, तो टोटल एक्सपेंडिचर जो है अपना क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, और जब अपने पास प्राइस बढ़ रहा है तो टोटल एक्सपेंडिचर अपना क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए सिचुएशन थ्री, जिसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन यूनिटी को शो कर रहा है। अब लेस देन यूनिटी का मतलब यहाँ पे क्या है कि जब प्राइस कम होती है तो टोटल एक्सपेंडिचर भी अपना कम हो रहा है और जब प्राइस बढ़ती है तो टोटल एक्सपेंडिचर भी अपना बढ़ रहा है। तो हमने क्या देखा कि लेस देन यूनिटी किस बात को शो करता है कि देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ अ कमोडिटी। ठीक है, उन दोनों के बीच में क्या, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जब हमारा ईडी लेस देन वन है तो वो किसको शो करेगा, इन इलास्टिक डिमांड। अब ईडी जब अपना इक्वल वन है तो वो शो करेगा यूनिटरी इलास्टिक डिमांड को। ठीक है, अब इसे हम एक डायग्राम से भी शो करके बता सकते हैं इन सिचुएशन को कि ईडी जब हमारा इक्वल वन है तो किस तरह से होगा, ईडी अगर हमारा जीरो है तो किस तरह से डायग्राम शो होगा, और ईडी इन्फिनिटी है तो किस तरह से डायग्राम शो होगा, ग्रेटर देन है तो किस तरह से होगा, और लेस देन है तो किस तरह से होगा। अब देखिए अपनी स्क्रीन पर आपको डायग्राम शो हो रहे हैं, जब अपना ईडी इक्वल इन्फिनिटी है तो मैंने आपको बताया था जब इन्फिनिटी होगा तो वो किस पे होगा, एक्स एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल होगा। तो जब अपने पास ईडी अपना इन्फिनिटी है तो अपने पास जो प्राइस है वो कैसा, एकदम फिक्स्ड है। ठीक है, उस फिक्स प्राइस पर आप कितनी भी क्वांटिटी जो है परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट अपने पास आता है ईडी इक्वल जीरो, जब ईडी जीरो है मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अपनी जीरो है, तो ये किसको शो करता है कि अपना जो डिमांड है ना वो फिक्स्ड है, वो पैरेलल है किसके, वाई एक्सिस के, उस पर आप कितनी भी प्राइस ले सकते हो। ठीक है, मतलब फिक्स डिमांड पर कितनी भी प्राइस जो है वो ली जा सकती है, इलास्टिसिटी जो है डिमांड की वो कैसी है, जीरो है। नेक्स्ट आ जाइए, ईडी जब अपना ग्रेटर देन वन है, अब हमने देखा जब ईडी ग्रेटर देन वन है ना तो आप देखिए अपनी स्क्रीन पर ये थोड़ा सा ना आपको चपटा महसूस होगा। ठीक है ना, थोड़ा सा मतलब थोड़ी सी जो लाइन होगी वो टेढ़ी जाएगी, मतलब कि इलास्टिसिटी जो है अपनी ग्रेटर देन जो वन है वो किसको दिखाई थी, मैंने आपको बताया था कि ग्रेटर देन मतलब वन का मतलब है इनवर्स रिलेशन होना। ठीक है, तो इसलिए जो थोड़ा सा कैस जाएगा, थोड़ा चपटा जाएगा। नेक्स्ट आता है इलास्टिसिटी अपनी लेस देन वन हो अगर, तो ये थोड़ा कैसे जाएगा, नीचे की तरफ सीधा जाएगा, क्योंकि इसमें कैसा रिलेशन होता है, पॉजिटिव रिलेशन को दिखाता है ये। ठीक है, तो ये थोड़ा सा नीचे की तरफ को जाएगा। और जब ईडी इक्वल वन है तो सिंपल है, अपनी जो सिंपल से जो डिमांड कर जो शो होता है वो सिंपल अपना डिमांड कर अपना शो होगा।